लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। भारत के बाहर करीब 3.5 करोड़ एनआरआईज हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा और पॉसिबली सबसे मजबूत डायस्पोरा बनाते हैं। शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां इंडियंस न रहते हों, बल्कि कुछ देश तो ऐसे भी हैं जहां इंडियंस की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, वहां के नेटिव से भी ज्यादा। वो कौन सी कंट्रीज हैं जानेंगे आगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले ये सवाल कि हम इंडियंस हर जगह पहुंचे कैसे। अगर मैं कहूं कि इस अचीवमेंट के पीछे हमारे पुरखों का बहुत बड़ा बलिदान छिपा है, तो अगर मैं कहूं कि ब्रिटिश एम्पायर ने उन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर रखा, तो अगर मैं कहूं कि गुलामी खत्म होने के बाद हम इंडियंस को ही गुलाम बना दिया गया, तो लेकिन सच यही है, इंडियंस के दुनिया भर में फैलने की ये एक बड़ी वजह है। लेट मी एक्सप्लेन। छोटी छोटी कोठरियों में रहना, जानवरों की तरह काम करना और बात बात में पिटाई, शुरुआत में भारत से बाहर गए लाखों इंडियंस का जीवन ऐसा ही था। 19वीं सदी में स्लेवरी यानी गुलामी खत्म हो रही थी, तो ब्रिटेन को अचानक अपनी कॉलोनीज में प्लांटेशन यानी खेती बाड़ी करने वाले मजदूरों की कमी होने लगी, और फिर उसने रुख किया अपनी सबसे कीमती कॉलोनी भारत की तरफ। में कुछ सौ भारतीय मजदूरों के साथ पहला जहाज मॉरिशस के लिए निकल पड़ा। इन्हें इंडेंचर्ड लेबर बोला गया, आसान शब्दों में ठेके पर काम करने वाले मजदूर। इसके बाद गयाना, ट्रिनिडाड और जमाइका जैसे कई कैरेबियन आइलैंड्स पर भी भारतीय मजदूर भेजे जाने लगे, जिन्हें कुलीस कहा गया। फिर ब्रिटेन ने 1860 में उन्हें साउथ अफ्रीका भेजना शुरू किया और 1870 के दशक में फिजी। कुछ ही सालों में 3 कॉन्टिनेंट, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलेशिया में भारत के 15 लाख से ज्यादा इंडेंचर्ड लेबर पहुंच चुके थे। इनमें से ज्यादातर गन्ना और चाय की खेती में लग गए, पर उन जगहों पर भारतीयों के साथ गुलामों की तरह सलूक किया गया, कई बार तो उससे भी खराब। तोताराम सनाटे ने फिजी में 21 साल बिताए, जिस पर उन्होंने एक किताब लिखी। उन्होंने लिखा कि इंडियंस को आम तौर पर रहने के लिए गुलामों की खाली की गई छोटी छोटी कोठरियां दी जाती, जहां कोई टॉयलेट नहीं होते और जिनमें खड़ा होना तक मुश्किल था। एक कोठरी में 4 मर्द या फिर पूरा परिवार। मौसम कैसा भी हो, हर रोज 9 घंटे खेतों में काम, हफ्ते में 6 दिन। काम पूरा ना होने पर सैलरी कट और कभी कभी पिटाई या जुर्माना। लोग जो गिरमिट कमाए हैं, बहुत दुख तकलीफ काटे के पड़ा। अरे हम गोरा लोग लाश से मारे इसे। अच्छा। गोरा लोग लाश से मारे, काम नहीं करो, चाबुक लगाए गाड़ी पर, कोई सुनवाई नहीं। गिरमिट तुम्हारी, गिरमिट तुम्हारी। तोताराम की किताब में इंडियंस औरतों की खराब हालत का खास जिक्र है, जिन्हें सुबह 3:30 बजे तक उठ जाना पड़ता और खाना बनाकर काम पर निकलना होता। घर लौटकर दोबारा खाना बनाना पड़ता। ऊपर से अंग्रेज प्लांटर्स की भी इन औरतों पर बुरी नजर होती। इंडेंचर्ड लेबर सैद्धांतिक तौर पर स्लेवरी यानी गुलामी से अलग है। इसमें काम की शर्तें तय होती थी, जिसके बदले मजदूरों को खाना और मंथली सैलरी मिलती थी, लेकिन रियलिटी इससे अलग थी। इंग्लैंड के हिस्टोरियन ह्यू टिंकर ने इंडेंचर्ड लेबर पर बहुत ऑथेंटिक काम किया है। अपनी किताब द न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी में उन्होंने इसकी तुलना सीधे सीधे गुलामी से की है। तो क्या ब्रिटेन भारत के लोगों को जबरदस्ती दूसरे देशों में भेजता था? नहीं, असल में उसने भोले भाले लोगों को धोखा दिया। इंडियंस को झांसा दिया गया कि विदेशों में काम करके वे अच्छी रकम कमा सकते हैं, और गरीबी से जूझ रहे भारतीय इस झांसे में आ गए। यहां इस बात का जिक्र जरूरी है कि तब तक भारत के रिसोर्सेस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, और उन्हीं की वजह से इंडियंस को गरीबी में रहना पड़ रहा था। उनके साथ 5 साल का एग्रीमेंट किया गया। उस वक्त भारत में इलिटरेसी रेट बहुत हाई थी और ये पेपर्स ज्यादातर लोगों की समझ से बाहर थे। उन्होंने बिना पढ़े इन पर दस्तखत कर दिए। फिजी में ये एग्रीमेंट एक नए टर्म में डेवलप हुआ, गिरमिट, और वहां पहुंचने वालों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। ये बात भी बताना जरूरी है कि भारत की वर्ण व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने का भी बड़ा योगदान रहा। भेदभाव झेलने वाले
निचली जातियों के लोग और मुसलमान बड़ी संख्या में परदेश गए। आमतौर पर कोई भी इंडियन 5 साल में पैसे नहीं बचा पाता और अपना अग्रीमेंट 5 और साल के लिए बढ़वा लेता। ब्रिटेन की देखा देखी फ्रेंच और डच कॉलोनीज ने भी इंडियंस को बाहर भेजना शुरू किया। मिसाल के तौर पर सूरीनाम, जो हॉलैंड की कॉलोनी थी, पर वहाँ भारतीयों के पहुँचने के बाद अब हिंदी धड़ल्ले से बोली जाती है। वहीं मॉरिशस में भारतीयों की पॉपुलेशन लगभग 2/3 हो चुकी है और वहाँ पिछले 50 साल से एक बार को छोड़कर भारतीय ओरिजिन के लोग ही प्राइम मिनिस्टर्स बन रहे हैं। इस पूरे इशू को और समझने के लिए आशुतोष कुमार की इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए, जिसकी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं उन दूसरी किताबों के नाम भी डाल दूंगा जिनसे मुझे इस वीडियो को तैयार करने में मदद मिली। लेकिन ये सवाल तो अब भी बाकी है कि इंडियन डायस्पोरा मजबूत कैसे हुआ। के आसपास अपने खर्चे पर कई इंडियंस साउथ अफ्रीका पहुंचने लगे। इन्हें पैसेंजर इंडियंस कहा गया। ये लोग ट्रेडर्स, टीचर्स, आर्टिस्ट्स और दूसरे प्रोफेशन से जुड़े थे। उनके पहुंचने पर साउथ अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई। वहां इंडियंस के 2 ग्रुप बने, कुलीज और पैसेंजर इंडियंस। कुछ दिनों बाद 24 साल का एक नौजवान वकील भी साउथ अफ्रीका पहुंचा, जिसने इंडियन कुलीज पर हो रहे रंगभेद और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की और कालांतर में वो 20वीं सदी की सबसे बड़ी पर्सनालिटीज में गिना गया। जी हाँ, हम महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। गांधी ने बाद में इंडेंचर्ड लेबर खत्म करने में बड़ा काम किया। आज साउथ अफ्रीका में 15 लाख इंडियंस हैं। उधर दूसरे अफ्रीकी देशों में भी इंडियंस पहुंचने लगे थे, खासतौर पर ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में, यानी युगांडा, केन्या और तंजानिया। 19वीं सदी के खत्म होते होते युगांडा और केन्या के बीच रेलवे की शुरुआत हो रही थी। कोई 30,000 इंडियंस इस प्रोजेक्ट में काम करने पहुंचे। बाद में हजारों पैसेंजर इंडियंस भी कारोबार के लिए वहां पहुंच गए। पर युगांडा के संकीताना शाह इदी अमीन ने 1970 के दशक में करीब 1 लाख इंडियंस को देश से निकाल दिया। ये घटना इंडियन डायस्पोरा के लिए मील का पत्थर साबित हुई और उनकी कामयाबी की एक और वजह बनी, जिसे इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। बहरहाल 20वीं सदी आते आते इंडेंचर्ड लेबर का जमकर विरोध होने लगा। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश एम्पायर पर दबाव बनाने के लिए साउथ अफ्रीका में एक बड़ी रैली की और 1920 आते आते ये सिस्टम पूरी तरह खत्म हो गया। इसके बाद भी लाखों इंडियंस इन देशों में रह गए। उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल बनवाए और अपनी कम्युनिटी को मजबूत किया। इस तरह इंडियंस कई देशों में फैल गए, लेकिन उनके ताकतवर बनने की कहानी अभी शुरू होनी बाकी थी। इंडियंस की कामयाबी का सबसे बड़ा रास्ता खुलता है अमेरिका में। यूएस प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन ने 1965 में गैर अमेरिकियों के साथ भेदभाव वाले कंट्रोवर्शियल इमिग्रेशन लॉ को खत्म कर दिया और इसके बाद यूरोपीय और एशियाई मूल के लोगों का यूएस में जबरदस्त इनफ्लो हुआ। इस इनफ्लो में भारतीयों की बड़ी हिस्सेदारी रही। हर साल लगभग 40,000 इंडियंस अमेरिका पहुंचने लगे। उन्होंने कारोबार और पढ़ाई के क्षेत्र में झंडे गाड़ दिए। 1980 तक अमेरिका के 1/4 से ज्यादा होटलों पर भारतीयों की मिल्कियत हो गई। ख्याल रहे कि ये सारे भारतीय सीधा इंडिया से नहीं गए थे, बल्कि एक बड़ी संख्या साउथ अफ्रीका, केन्या, युगांडा और मॉरिशस, यानी इंडेंचर्ड लेबर वाले देशों से भी गए थे। इसके बाद इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन ने तो मानो इंडियंस के लिए अमेरिका के सारे रास्ते खोल दिए। साल 2000 के बाद सालाना लगभग 1 लाख भारतीय अमेरिका पहुंचने लगे। ये सभी व्हाइट कॉलर जॉब्स में थे और जिन्होंने इंडियंस अब्रॉड को एक नए तरह से डिफाइन कर दिया। अमेरिका की इन्फो टेक्नोलॉजी की कामयाबी का बहुत कुछ क्रेडिट इन इंडियंस प्रिंस को भी जाता है। नतीजा है कि आज सुंदर पिचाई गूगल के हेड हैं, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट को लीड कर रहे हैं, शांतनु नारायण अडोबी को, अरविंद कृष्णा IBM, YouTube को नील मोहन और ना जाने कितने ही इंडियंस मेजर टेक जायंट्स के हेड हैं। लेकिन यहां इस बात का जिक्र जरूरी है कि अमेरिकी सिस्टम ने भारतीयों की तरक्की में कोई रोड़ा नहीं अटकाया। उन्हें हर वो सुविधा मिली जो किसी अमेरिकी को मिलती है, रेसिडेंस परमिट से लेकर सिटीजनशिप तक, और अपने कल्चर के हिसाब से शादी ब्याह के अधिकार से लेकर धर्म और संस्कृति को मानने तक का अधिकार।
अमेरिका के कुल H-1B वीजा का लगभग 80% इंडियंस के पास है और एक इंडियन अमेरिकन की कमाई एवरेज अमेरिकन से करीब 2 गुनी है। अमेरिका में भारतीयों की कामयाबी एक मजबूत डेमोक्रेसी की ताकत भी दिखाती है। कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। लुइजियाना ने इंडियन मूल के बॉबी जिंदल को कभी गवर्नर चुना था, तो निकी हेली साउथ कैरोलिना की गवर्नर रह चुकी हैं और अब राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में शामिल हैं। 1965 से पहले अमेरिका में भारतीयों की संख्या 15,000 से भी कम थी, जो अब बढ़कर 50 लाख के आसपास पहुंच गई है। ये सबसे बड़ा और सबसे कामयाब इंडियन डायस्पोरा है, जो हर साल भारत में करीब $25 अरब से भी ज्यादा का रेमिटेंस भेजता है। विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोग $100 अरब से भी ज्यादा यानी कोई 9 लाख करोड़ रुपए हर साल भारत में रेमिटेंस के तौर पर भेजते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस है। कॉलोनियल पावर होने की वजह से भारत और ब्रिटेन का क्लोज कनेक्शन था और भारतीयों का इंग्लैंड आना जाना लगा रहता था, लेकिन आजादी के बाद इंडियंस की संख्या अचानक से बढ़ी। इंडियंस का एक बड़ा हिस्सा 50s और 60s में नेशनल हेल्थ सर्विस से जुड़ा। ख्याल रहे कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अंग्रेजों ने अपने स्टैंडर्ड से मेडिकल स्कूल बनवाए थे और वहां से पढ़कर आने वालों के लिए ब्रिटेन का सिस्टम अपनाना आसान था। 70s में युगांडा, केन्या और जांजीबार जैसे अफ्रीकी देशों से निकाले गए हजारों इंडियंस भी ब्रिटेन पहुंचे। ब्रिटिश इंडियंस की लगभग 20% आबादी इन लोगों की है। अमेरिका की ही तरह ब्रिटेन ने भी भारतीयों को इक्वलिटी दिया और इंडियंस ने कारोबार से लेकर राजनीति तक परचम फहरा दिया। आज तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं, जिनके माँ बाप केन्या में पैदा हुए और बाद में इंग्लैंड माइग्रेट कर गए। ब्रिटेन के हर हिस्से में भारतीय रेस्टोरेंट्स और दुकानें मिल जाती हैं। शादी ब्याह सब कुछ भारतीय रीति रिवाज से पॉसिबल है। लेस्टर शहर में तो 1/3 से ज्यादा आबादी इंडियंस की है। आजादी से पहले 20,000 से भी कम इंडियंस ब्रिटेन में रहते थे, जिनकी संख्या अब लगभग 20 लाख है। यहाँ इस फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आजादी से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा थे। उन्हें मिलाकर आज कोई 40 लाख साउथ एशियंस ब्रिटेन में रहते हैं, जो वहां की कुल आबादी का लगभग 7% है। ब्रिटेन के अलावा कनाडा में 20 लाख, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में कोई 10 लाख, जिनमें से हजारों पड़ोसी देश फिजी से आए हैं, और यहां जर्मनी में कोई 2 लाख भारतीय हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इन वेस्टर्न कंट्रीज में भारतीय अपनी मर्जी से आए, वो ज्यादातर स्किल्ड वर्कर्स हैं, व्हाइट कॉलर जॉब्स में हैं, इकोनॉमी में उनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है और उन्हें हर तरह के अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन दुनिया का एक हिस्सा ऐसा भी है जो 50 साल से भारत के अनस्किल्ड वर्कर्स का इस्तेमाल कर रहा है। यह हिस्सा है गल्फ यानी खाड़ी देशों का। उनका जिक्र किए बगैर विदेशों में रहने वाले भारतीयों की कहानी पूरी नहीं हो सकती। ऑयल बिजनेस के परवान चढ़ने के बाद 1970 के दशक में जब खाड़ी देशों को लेबर की जरूरत महसूस हुई, तो भारतीयों ने इसे पूरा किया। तेल के बढ़ते कारोबार के साथ अरब देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी तेजी से बढ़ रही थी। ये एक नई अपॉर्चुनिटी थी जो इंडिया से बहुत दूर भी नहीं थी और जहां स्किल की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी। इंडिया के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश से एक बड़ा कारवां GCC यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाले देशों की तरफ निकल पड़ा और जिसने वहां के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में बड़ी मदद की। अरब कंट्रीज में भारतीयों को जॉब तो मिले, लेकिन सम्मान और रिकॉग्निशन नहीं। कई बार हमें ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं जहां पता चलता है कि अरब देश में काम करने वाले भारतीयों के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं और उन्हें देश लौटने तक में परेशानी होती है। 20 आदमी हमारे पास खाने का पैसा नहीं है, पगार नहीं दिया है और हम फंसे हुए हैं, हम रूम का किराया नहीं है और हमारे पास पासपोर्ट नहीं, हमको इंडिया जाना है, सारे इंडियन हैं, इंडिया जाना के लिए हमको पासपोर्ट नहीं दे रहा है, तो हमारी ये कंप्लेंट है, वो कोई सुन नहीं रहा है। बहुत मैंने कुटमार कर दे हैं सर, ये जान लो कि मैं मर मर के जी रहा हूँ सर, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले यहाँ अधिकार ना के बराबर है। ज्यादातर अरब मुल्कों में चाहे आप 50 साल रह लें, नागरिकता नहीं मिलती, वहां के सिटीजन से शादी नहीं हो सकती। हाल में कुछ देशों ने जमीन और घर खरीदने में मामूली रियायत दी है,
इस्लामी देशों में खुलकर दूसरे धर्म को मानना और मंदिर बनाना आसान नहीं। हालांकि वहां भी अब कुछ रियायत मिल रही है। कतर वर्ल्ड कप के दौरान विदेशी मजदूरों के साथ हुई दुर्घटनाएं और उनसे इनह्यूमन कंडीशंस में लिए गए काम की रिपोर्टिंग दुनिया भर ने देखी। भारत के भी कई मजदूर वर्ल्ड कप की तैयारियों में जान गंवा बैठे। ध्यान रहे कि कतर की लगभग 1/4 आबादी इंडियंस की है। खाड़ी देशों में करीब 10 मिलियन यानी 1 करोड़ भारतीय हैं, जिनमें सबसे ज्यादा सऊदी अरब में कोई 40 लाख और दुबई सहित यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 35 लाख के आसपास। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा इंडियन रेमिटेंस भी UAE से ही जाता है। खाड़ी के कई देशों में भारतीयों की आबादी सबसे ज्यादा है, वहाँ के नेटिव से भी ज्यादा, लेकिन उनके पास लिमिटेड राइट्स हैं, जिसकी वजह से वे अरब देशों में स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए। तो इंडियंस का अलग अलग देशों में जाने का सिलसिला लगभग 200 साल पुराना हो चला है। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ इंडियन कल्चर और वैल्यूज को बढ़ावा दिया, बल्कि कई देशों में कल्चरल डाइवर्सिटी को भी नई दिशा दी। पर यह बात साफ है कि इंडियन डायस्पोरा की कामयाबी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन USA और UK जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में रहने वाले इंडियंस का है। ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और बराबरी के अधिकार पर चलती हैं। ये बात अलग है कि यही देश सदियों तक कॉलोनाइजर और स्लेव ट्रेड के झंडा बरदार भी रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और अगर ऊपर एक्सप्लेन किए गए किसी पॉइंट पर कुछ जानना चाहते हों तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार।